हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, टू साइडेड एरर्स को, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको। पहला है राइट द करेक्ट एंट्री, दूसरा है राइट द रॉन्ग एंट्री, तीसरा है रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, और चौथा है ऐड द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री। ठीक है, और हमने दो तीन क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स और ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹10 टू आमिर चंद वॉज रिकॉर्डेड एज ₹100। तो अब आप एक काम कीजिए, हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लेक्चर पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद सही है या गलत है ये जानने के लिए आप उसको लेक्चर को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, बजाय कि हर एक ट्रांजेक्शन का आप सोल्यूशन देखते जाएं केवल। नहीं, यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट एंट्री लिखनी है। करेक्ट एंट्री क्या है, आमिर चंद टू सेल्स, कितना है, ₹10। ठीक है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹10 टू आमिर चंद, दिस इज द करेक्ट एंट्री। एंड वॉट इज द रॉन्ग एंट्री, हमने उसको ₹100 रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने जब रिकॉर्ड किया आमिर चंद टू सेल, तो आपने 10 की बजाय कितना लिख दिया, 100। ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब है चाहे आपने वो जर्नल एंट्री पास की हो, चाहे आपने सब्सिडरी बुक बनाया हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्सिडरी बुक भी बनाया तो वहाँ पे भी क्या होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह का फॉर्मेट होता है, रफ नहीं बना रहा हूँ मैं, आपने सेल्स बुक बनाया, ठीक है ना। अब आपने आमिर चंद को गुड्स बेचे, तो आप क्या लिखते हैं, आमिर चंद, यहाँ पे आपने गलती से 100 लिख दिया। अगर गलती से आपने 100 लिख दिया तो यहाँ पे टोटल में भी तो 100 ही चला जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। चाहे जनरल एंट्री करें चाहे वैसे करें, आपने क्या कर दिया है, 10 की बजाय ₹100 रिकॉर्ड कर दिया है। ये रिकॉर्डिंग के टाइम गलती है, गलतियाँ अलग अलग प्रकार की, हम पोस्टिंग में भी गलतियाँ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग में गलती है। तो ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि रिकॉर्डेड लिखा है पोस्टेड लिखा है। जब पोस्टेड होगा तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, मगर अभी रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत हुआ है, दोनों ही 10 की बजाय 100 हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो, रॉन्ग एंट्री अमित चंद टू सेल्स 100। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो, सेल्स टू अमित चंद कितना, 100। अच्छा, एक बात अब मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको, कि ये रेक्टिफिकेशन जो है ना, जो आप राइट रॉन्ग रिवर्स कर रहे हैं, ये आपको रफ में करना रहता है, ये फेयर वर्क में नहीं करते कभी भी। आप फेयर में केवल और केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे, बस दैट्स ऑल, बाकी आपको केवल क्या लिखना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये जो है ये सारा का सारा रफ रफ में जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आमिर चंद क्या है, ₹10 डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्या करते हैं बताइए, देखते हैं कहाँ ज़्यादा है। तो क्रेडिट ज़्यादा है तो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट में ही जाएगा, कितना जाएगा, ₹90 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ₹90 ज़्यादा है ना इससे, 100 माइनस 10 90, तो ये 90। सेल्स अकाउंट डेबिट है, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, ज़्यादा क्या है, डेबिट, तो डेबिट में ही लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 90। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक, चल, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस ₹500 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। अभी मैं बताऊं आपको ये कौन सी गलती है, ट्राई करेंगे आप लोग बताएंगे। चलो मैं आंसर आपको बताता हूं, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ज्ञान की कमी। हमें क्या है कि जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं ना, तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, राम को पैसे दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम को दिए तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश,
कालीराम को दिया तो कालीराम अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। ऐसा करते करते हमने सीखा। अब जब हम सीखते हैं ना तो कुछ अलग प्रकार की गलतियां करते हैं ज्ञान ना होने की वजह से। तो हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, तो जब कोई अकाउंटिंग सीखता है ना तो क्या करता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, आप जब एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी को वेजेस दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, तो देने के दौरान उसका नाम कभी भी नहीं लिखा जाता है। लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने का मतलब तभी होता है जब कोई उधार का मामला हो। उधार का मामला ही नहीं है, आप केवल पैसे खर्च कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आप ऑटो से उतरो और ऑटो वाले से आप उसका नाम पूछो कि भाई बताओ मैं अकाउंटिंग करूंगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसलिए ये नाम, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आई बात समझ में? तो इसमें करेक्ट एंट्री क्या होगी, रेंट हम पे कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी, रेंट टू कैश, दिस इज द करेक्ट एंट्री, है ना। अमाउंट कितना, 5, ठीक है। लिखा है डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, मतलब रेंट को डेबिट करना था, रेंट को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती केवल यहीं पे हुई है ना, रेंट की बजाय क्या लिख दिया, लैंडलॉर्ड। तो अब इसको रिवर्स करते हैं, चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू लैंडलॉर्ड, कितना, 500, 500। तो आप देखिए यहाँ पे कैश यहाँ पे डेबिट दिख रहा है, कैश यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, ऐसे आप कर दीजिए कैंसिल। तो बचा क्या, रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो एंट्री हो जाएगी आपकी, क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट दिख रहा है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्रेडिट दिख रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम लालू ₹800 हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 8,000। चाहे परचेज बुक में लिखा हो चाहे जनरल एंट्री पास की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपने ₹800 के गुड्स परचेज किए हैं। इसको भी पॉज करके खुद से पहले एक बार ट्राई करें, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो द करेक्ट एंट्री इज परचेजेस टू लालू 800, 800। एंड द रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेजेस हमने रिकॉर्ड कर दिया 8,000, 800 की बजाय, है ना, तो टू लालू 8,000। अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएगा लालू टू परचेजेस 8,000, 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे लालू अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे लालू अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। ज़्यादा क्या है, डेबिट है, कितना ज़्यादा है, 7,200 ज़्यादा है। परचेज यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, ज्यादा क्या है, क्रेडिट परचेज ज्यादा है, तो टू परचेजेस 7,200, क्लियर है। ये हो गई आपकी एंट्री। चलिए इसको भी ट्राई कीजिए आप खुद से। अ क्रेडिट सेल ऑफ 170 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 710, रिकॉर्ड किया है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों गड़बड़ हुआ है। तो द करेक्ट एंट्री इज क्या, बोलो, राम टू सेल 170, 170, एंड द रॉन्ग एंट्री इज राम टू सेल्स 710, 710। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करते हैं, चलिए, तो हो जाएगा सेल्स टू राम 710, 710। अब आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट देख रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ज़्यादा क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना ज़्यादा है, 540 ज़्यादा है। फिर आइए, राम अकाउंट डेबिट है, राम अकाउंट क्रेडिट है, ज़्यादा क्या है, क्रेडिट कितना ज़्यादा, 540। सिंपल, कोई दिक्कत, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अभी बताइए, अ क्रेडिट सेल ऑफ 170 टू किशन, अच्छे से पढ़िएगा, गलत पढ़ा तो गलत हो जाएगा। किशन को हमने 170 के गुड्स बेचे और उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल टू कृष्णा, अमाउंट अमाउंट गलत नहीं हुआ है।
एंट्री भी गलत नहीं हुई है, अकाउंट गलत हो गया है। मतलब हमने करेक्ट एंट्री क्या है बोलिए, किशन टू सेल्स 170170 एंड द रॉन्ग एंट्री इज क्रिशन टू सेल्स। क्रिशन है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ क्रिशन है, अमाउंट गलत नहीं है, अमाउंट सही है। तो अब इसको हम रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू क्रिशन, ठीक है, 170170। अभी ध्यान दीजिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट डेबिट है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे अमाउंट क्योंकि सेम है। किशन अकाउंट और कहीं दिख रहा है? नहीं। क्रिशन अकाउंट कहीं और दिख रहा है? नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किशन टू क्रिशन, डन, किशन टू क्रिशन, ठीक है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹170 मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 710। अमाउंट भी गलत, अकाउंट भी गलत, एरर ऑफ कमीशन ही ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री लिखेंगे। क्या है करेक्ट एंट्री बोलो, मीनू अकाउंट डेबिटेड टू सेल 170170 एंड द रॉन्ग एंट्री इज मीना टू सेल्स 710710। बराबर है, अब इसको रिवर्स करते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा सेल्स टू मीना, कितना, 710710। तो सेल्स अकाउंट, चलो अब एक काम करो, पहले अच्छे से अब देखना, सेल्स अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, ज़्यादा क्या है, डेबिट है, कितना ज़्यादा है, 540। तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 540। फिर आ जाओ, मीनू अकाउंट डेबिट है, और कहीं दिख रहा है? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा है, मीनू अकाउंट डेबिट, मीनू अकाउंट डेबिट 170, और यहाँ पे मीना क्रेडिट है, तो टू मीना 710, ठीक है, आई बात समझ में। चलो, अ सेल ऑफ ₹172 भोला वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में मतलब है परचेज एंट्री रिकॉर्ड कर दी। वैसे क्या होता है सेल की एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या है कि हमने भोला को गुड्स बेचे, तो भोला टू सेल्स, ठीक है, 170, ठीक है। अब गलत क्या कर दिया, परचेज बुक में लिख दिया, तो परचेज बुक में लिख दिया मतलब देखा जाए तो चाहे आप परचेज बुक में लिखो, चाहे परचेज बुक की परचेज की जनरल एंट्री लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। तो हमने, क्योंकि हमको सुधारना है तो सुधारेंगे कैसे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस टू भोला, ये आपने गलती से उसको परचेज लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सुधारना है, तो उसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करते हैं। चलिए, भोला टू परचेजेस 170170, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भोला अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे भी भोला अकाउंट डेबिट है, डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसे डेबिट क्रेडिट आपस में एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 340, 170+170, फिर टू सेल्स और टू परचेजेस, तो टू सेल्स 170 और टू परचेजेस 170, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और बताइए आप, इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे ज्यादा है तो। अ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू संता ऑफ 170 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक फॉर 710। अच्छे से देखिएगा, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो हमने संता को मशीन बेची, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, संता टू मशीन, मशीन क्योंकि आपने बेची है, कितने की, 170 की। हुआ क्या, इसको हमने एंटर कर दिया कहाँ, सेल्स बुक में। पहली बात तो सेल्स बुक में लिखना ही नहीं था, मशीनरी बेची है, सेल्स बुक में तो हम गुड्स लिखते हैं, है ना। तो हमने गलती से क्या कर दिया, संता टू सेल्स लिख दिया, और अमाउंट भी गलत लिख दिया, 710, ठीक है ना। तो दो दो गलतियां कर दी, एक मशीनरी की बजाय सेल्स और दूसरा 170 की बजाय 710। तो चलिए इसको भी रेक्टिफाई करते हैं, सेल्स टू संता कितना, 710710। चलो अब
सेल्स अकाउंट देख लो आप, डेबिट है यहाँ पे, और कहीं है क्या? नहीं, और कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 710। फिर उसके बाद देखिए संता अकाउंट, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, ज़्यादा क्या है? क्रेडिट कितना ज़्यादा है? 542 संता, 540, और टू मशीनरी, तो टू मशीनरी 170। है बात समझ में? ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि हर क्वेश्चन पहले एक बार खुद से ट्राई करना है, नहीं बनता है तो ही आगे उसे आप उसका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय बाय।